हेलो फ्रेंड्स, आज हम शाही पनीर की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। मैंने 200 ग्राम पनीर ले लिया है। इसे हम छोटे क्यूब में काट लेंगे। इस तरह हमने इसे छोटे क्यूब में काट लिया। ये शाही पनीर के लिए सब मसाले ले लिए हैं। हम जैन शाही पनीर बनाने जा रहे हैं। ये मैंने काजू को भिजा के अच्छे से पीस लिए। मैंने 15 काजू लिए बड़े। ये 3 चम्मच मलाई ली है, 3 चम्मच दही लिया है, यह 1 कटोरी दूध लिया है, और ये 2 बड़े टमाटर की मैंने ग्रेवी ली है, और ये 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसमें खड़े मसाले में मैंने तेज पत्ते के टुकड़े, दालचीनी के टुकड़े, 3-4 लौंग, 10-12 काली मिर्च और इलायची 3 ली है, और ये मैंने कसूरी मेथी ली है। और साथ में जो सूखे मसाले डालने हैं वो मैंने लाल कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच ली है, 1.5 चम्मच मैंने धनिया जीरा पाउडर लिया है, आधा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और 1.5 चम्मच जितना मैंने नमक लिया है। और पनीर हमने 200 ग्राम पनीर के टुकड़े लिए हैं। अब हम इसकी सब्जी बनाने जा रहे हैं। मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 3 बड़े चम्मच मैंने देसी घी डाले हैं। इसमें हम आधा चम्मच जीरा डाल रहे हैं, और हमने जो सब खड़े मसाले लिए थे वो सब इसमें डाल रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले काजू को हम ऐड करेंगे। बिल्कुल हल्का हल्का करना है, हल्से गुलाबी होने तक सेकना है। इसमें हम अदरक का टुकड़ा का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच है। हमने कसूरी मेथी घी में इसलिए डाला कि इसकी पूरी सुगंध पूरी सब्जी में बहुत अच्छे से आएगी। हमारा ये अच्छे से गुलाबी हो गया है। अब हम इसमें मलाई डालेंगे, क्योंकि हमने मलाई को भी थोड़ा सिकेगी तो ज़्यादा बेटर स्वाद आएगा इसका। हमने मीडियम आंच में ये सब सेक रहे हैं। अब हम इसमें टमाटर की ग्रेवी डालेंगे, तभी हम इसमें धनिया जीरा पाउडर, हल्दी, मिर्ची और नमक डाल देंगे। उसे थोड़ी देर हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए एकदम धीमी आंच पर। इसे 10 मिनट हो गए, हमारे सब तरफ से घी निकलना चालू हो गया। हम इसी टाइम इसमें 3 चम्मच दही डालेंगे। दही डालने से टमाटर के स्वाद में बढ़ोतरी होती है, और यह सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। दही डालने के बाद हम इसे ढक देंगे। इसे 10 मिनट हो गए, यह अच्छे से उबल रहा है। हम इसी टाइम में इसमें 1 कटोरी दूध डालेंगे।
अब इसे हम कंटिन्यू मिक्स करेंगे और फास्ट गैस कर लिया है मैंने। मैं गैस स्लो कर रही हूँ। इसमें आप चाहे तो आधी चम्मच शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं स्किप कर रही हूँ। ये अच्छे से उबल गई है। इसी टाइम में हम इसमें पनीर शाही मसाला डाल रही हूँ मैं, 1 चम्मच जैन पनीर शाही मसाला। ये सब पनीर मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे हम उबलने देंगे जब तक थोड़ा सा घी बाहर ना आ जाए। इसे ढक के उबालेंगे बहुत ही स्लो गैस में। मैं इसे थोड़ा कम स्पाइसी बनाने जा रही हूँ। यह सब्जी हमारी तैयार हो गई है। इसे हम एक कैसरोल में ले लेंगे। हमारा यह जैन शाही पनीर की सब्जी तैयार हो गई। मैं इसे थोड़ी कोथमीर डाल के गार्निश करने जाती हूँ। यह जैन रेसिपी भी बहुत टेस्टी बनती है, आप इसे ट्राई करिए। मैं सुधा किचन से सुधा शाह बोल रही हूँ। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।